तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो यह घिरा हुआ है 61%। ठीक है, 61% जो क्षेत्रफल है वह मरुस्थलों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपको 25% पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न देखिए है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में क्या स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला सवाल है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं आडा वाला पर्वत। ठीक है, आडा वाला पर्वत है जो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान को खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो यह किया गया है 9 क्षेत्रों में। ठीक है, 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया किसे? राजस्थान को। अगला सवाल है कि गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग तो इसको पता ही होगा बहुत से लोगों को कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है थार का मरुस्थल के नाम से। अगला सवाल है कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो यह करती है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, अरावली श्रेणी है जो राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला सवाल है कि खालिस्तान श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो वह श्रेणी है अरावली। ठीक है, अरावली श्रेणी है जो राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। अगला सवाल है कि समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो इसकी अनुमानित ऊंचाई है 740 मीटर। किसकी? धौसी पहाड़ी की। अगला सवाल है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का है? तो यह है वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत है कौन सा? अरावली पर्वत। अगला सवाल है कि कौन सा मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है? तो वह है कम वर्षा। ठीक है, कम वर्षा है जो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? ये मैंने अभी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो यह था 61%। जो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो उनको तो प्रश्न याद करना ही है कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग है जो मरुस्थलों से घिरा हुआ है, तो 61%। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली चोटी अपने संबंधित जिले के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो है जयराज उदयपुर। ठीक है, जयराज उदयपुर है जो वह अरावली चोटी है जो अपने संबंधित जिले के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि घग्गर का मैदान स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह स्थित है कहाँ पर? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। ठीक है, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में क्या स्थित है? घग्गर का मैदान। अगला सवाल है कि छप्पन का मैदान स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। अगला सवाल है छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में क्या है? छप्पन बेसिन। अगला सवाल है कि निम्न में से सुमिलित नहीं है, तो वह है कमली घाट दर्रा अजमेर, यह सुमिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि शेखावाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, तो आपको याद रखना है यह कहते हैं बीड। ठीक है, बीड किसे कहते हैं? अगर पूछे एग्जाम में तो बीड कहते हैं शेखावाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है? तो वह दर्रा है परवेरिया दर्रा। ठीक है, परवेरिया दर्रा है जो अजमेर को मसूदा से जोड़ता है।
अगला सवाल है कि राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बूंदी सवाई माधोपुर पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, क्या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार बैसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है, तो यह है उपरमल पठार। ठीक है, उपरमल पठार है जो बैसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच है जो स्थित है। कौन सा पठार? उपरमल पठार। अगला सवाल है कि राजस्थान में अवसादी चट्टाने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती हैं बीकानेर जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में। ठीक है, बीकानेर जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में क्या पाया जाता है? राजस्थान में अवसादी चट्टाने पाई जाती हैं। किस जिलों में, किन जिलों में अगर पूछे तो वह जिले हैं बीकानेर जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में। अगला सवाल है कि दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है, तो यह है मुकंदरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वह विंध्य पर्वतमाला का विस्तार हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? मुकंदरा की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू के समीप है, तो वह पठार है उड़िया का पठार। ठीक है, उड़िया का जो पठार है वह माउंट आबू के समीप है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने परसेंट किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।